सिलेबस को करना पड़ेगा, ठीक है, चाहे वो इंडियन हिस्ट्री हो, चाहे नेशनल मूवमेंट हो, ठीक है, उसके बाद इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी हो, फिजिकल और सोशल, जो भी जितने भी आपका ज्योग्राफी है, उन सारे चीज़ों को आपको एक एक के चैप्टर वाइज उठाएंगे और उसी को पूरा क्या है डिटेल से करवाएंगे, क्योंकि जो पीसीएस में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो थोड़ा सा क्या है डीपली पूछे जाते हैं, इसलिए क्या होता है थोड़ा डीपली नॉलेज भी आप लोगों को चाहिए होगा, ठीक है, इजी से तो नहीं होगा। उसके बाद इंडियन जो पॉलिटी है उसके बारे में आपको, जो कॉन्स्टिट्यूशन है, उसके बाद पॉलिटिकल सिस्टम है, उसके बाद पंचायती राज है, पंचायती राज बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार बार इससे सवाल पूछते हैं, पब्लिक पॉलिसी देखेगा क्या होता है, देखेगा इसमें जो क्वेश्चन है उसमें थोड़ा तो सा हम बात करते हैं, जो इंडियन जो पॉलिटी है इसमें देखेगा इंडियन पॉलिटी और गवर्नेंस भी पूछा है, केवल पॉलिटी नहीं पूछा है, उसके बाद गवर्नेंस भी पूछा, देखेगा पॉलिटी क्या होता है, देखेगा जो पॉलिटी नहीं, इसको राज व्यवस्था कहा जाता है, राज व्यवस्था मतलब एक स्टेट को कैसे चलाया जा सके, उसके लिए क्या क्या इंस्ट्रूमेंट होना चाहिए, ठीक है, उसके लिए हमारे पार्लियामेंट होना चाहिए, हमारा लेजिस्लेटिव होना चाहिए, हमारा जुडिशियरी होना चाहिए, हमारा एग्जीक्यूटिव होना चाहिए, तो ये क्या है आपको इंडियन पॉलिटी के अंदर हमको पढ़ना है। और गवर्नेंस में क्या पढ़ना है, गवर्नेंस में क्या पढ़ना है, इसको गवर्नेंस कहा जाता है, इसमें देखिए क्या होता है कि जो सोसाइटी है ना, ये केवल क्या होता है गवर्नमेंट से नहीं चल पाता है, इसके लिए क्या होता है जो सिविल सोसाइटी है उनका भी क्या होता है पार्टिसिपेट बहुत जरूरी है, जैसे हम लोग क्या सिविल सोसाइटी के अंदर आते हैं जो नॉर्मल लोग होते हैं, तो इनका भी क्या है गवर्नमेंट में क्या पार्टिसिपेट होना चाहिए, देखिएगा इलेक्शन के समय क्या होता है हम पार्टिसिपेट करते ही करते हैं, उस पर कोई भी पॉलिसी बनता है उसमें भी पार्टिसिपेट होना चाहिए, देखिएगा जैसे एग्रीकल्चर अमेंडमेंट बिल बने हैं उसमें देखिएगा बहुत सारे जो मूवमेंट हो रहे हैं, क्यों हो रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं गवर्नमेंट ने क्या है जो पब्लिक ओपिनियन है इसको क्या है दरकिनार किया, इसलिए मूवमेंट हो रहा है। अगर क्या होता है गवर्नमेंट क्या होता है यानी सिविल सोसाइटी से या उसका जो जिस व्यक्ति का या जिस ग्रुप का उसमें इफेक्टेड हो रहा है उससे अगर डिबेट यानी बातचीत करके अगर ये बनाता है तो क्या होता है इतना डिबेट नहीं होता, इसलिए देखिए आजकल क्या गवर्नेंस का इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, ठीक है, कि केवल गवर्नमेंट क्या है कुछ पॉलिसी बनाते हैं और किसी पे थोप देते हैं, पहले जमाने में चलता था, लेकिन आजकल क्या है जो नॉलेज यानी जो एजुकेशन लेवल जिस हिसाब से लोगों में बढ़ता जा रहा है, तो क्या होता है अपने राइट्स को लेने के लिए क्या है वो लोग मूवमेंट करना शुरू करता है, अभी देखिए उत्तराखंड में भी देखिएगा बहुत सारे जो लैंड रिफॉर्म मूवमेंट है उसके लिए मूवमेंट चल रहा है, उसके बाद देखिएगा जो जॉब के लिए उसके लिए हो रहा है, तो क्या है मूवमेंट चल रहा है, तो ये आपको क्वेश्चन में पढ़ना है। उसके बाद हाँ देखिए पब्लिक पॉलिसी क्या होता है, पब्लिक पॉलिसी बहुत जरूरी है, यानी लोग के लिए जो नीति देखिए पॉलिसी का मतलब क्या होता है कि लोगों को क्या है आगे कैसे बढ़ाया जाए और वो क्या पब्लिक मतलब पूरे लोगों के लिए बनाया जाए, तो पब्लिक पॉलिसी में हम इस बारे में हम इसमें चर्चा करेंगे किस किस बातों में कि हमारे जितने भी गवर्नमेंट के द्वारा जितने भी प्रोजेक्ट बनाया जाता है, चाहे जैसे देखिएगा उत्तराखंड गवर्नमेंट में जो कन्या धन योजना बनाया गया है, ठीक है, और इस तरह से जितने भी योजना बनाए जाते हैं, या पहले गोरा देवी धन योजना चलता था, तो ये जो योजना बनाया जाता था कि इस योजना से जो पब्लिक है उनको कितना बेनिफिट होता है, केवल योजना बनाने से थोड़ी ना होगा कि योजना से बेनिफिट भी देखना पड़ेगा कि उसे क्या आगे बढ़ जाता है, तो ये पब्लिक पॉलिसी में ये आता है, पब्लिक के लिए क्या पॉलिसी बनाया जाए, ठीक है। उसके बाद देखिएगा क्या है राइट्स, राइट्स क्या है देखिएगा राइट इश्यू बहुत सारे, देखिएगा हमारे अभी देखिएगा आप लोगों ने नागरिक चार्टर के नाम सुना होगा, सिटीजन चार्टर के नाम आप सुने होंगे, कि आप लोग कहीं जाते सरकारी ऑफिस में पहले होता था क्या कि कोई टाइम पीरियड नहीं था, बोलता कि आओ 2 महीने बाद आओ 3 महीने बाद आओ, और सरकारी काम है कब होगा कोई पता नहीं था, लेकिन अभी क्या है कि जो राइट्स इशू हो रहा है कि हर ऑफिस में देखिएगा लिखा रहता है कि नागरिक चार्टर लिखा रहता है, उसमें सिटीजन चार्टर लिखा होता है, उसमें लिखा रहता है कि एक इनकम बनने में एक जो डोमिसियल बनने में कितना टाइम लगेगा, मैक्सिमम कितना टाइम लग सकता है, अगर उस टाइम के अंदर वो बनता नहीं है तो आप उस ऑफिसर या उस कर्मचारी के खिलाफ क्या होता है उस कंसर कार्रवाई कर सकते हैं, और क्या है उस ऑफिसर को उसके लिए जवाब देना पड़ेगा, ठीक, इसलिए क्या है राइट्स भी बनते जा रहे थे, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हमें तो बहुत सारे राइट्स दे दिया गया है, जैसे फंडामेंटल राइट्स आप लोगों ने सुने होंगे मौलिक अधिकार, लेकिन क्या होता है हम उसका यूज नहीं कर पाते, यूज इसलिए नहीं कर पाते कि अभी भी क्या होता है हम एक सिटीजन के रूप में पेश नहीं आते, हम लोग क्या है एक अलग अलग रूप में होते, देखिएगा एक बात समझ लीजिए जो सिटीजन होता ना, अगर आपसे बोला कि सिटीजन शब्द सबसे पहले किस देश में उत्पत्ति हुई है, सिटीजन जिसको नागरिक कहते हैं,
है, जो नागरिक शब्द है ये सबसे पहले फ्रांस में उत्पन्न, देखिए फ्रांस में एक रिवोल्यूशन हुआ था जिसको फ्रांसीसी क्रांति कहा जाता है, उसी समय क्या था फ्रांस में ये पहले क्या था, इस शब्द का उत्पत्ति हुआ जिसको आप नागरिक या सिटीजन कहते हैं। पहले देखिएगा जो देश में जो लोग थे उसको प्रजा कहते थे, प्रजा मतलब क्या होता है जो लोग होते थे, प्रजाजन कहा जाता है, ठीक है, पब्लिक कहते थे। लेकिन अब क्या है पब्लिक, देखिएगा पब्लिक या जो सिटीजन है उसमें अंतर होता है। पब्लिक क्या होता है, पब्लिक के पास राइट नहीं होता, लेकिन सिटीजन के पास क्या होता है, बहुत सारे राइट होता है। देखिएगा हमारा यहाँ पे जो कॉन्स्टिट्यूशन में आप फंडामेंटल राइट जब पढ़ेंगे तो आपको मालूम होगा कि हमारे यहाँ के जो सिटीजन है उनको कितना ज्यादा राइट्स दिया गया है, ठीक है। तो हम लोग क्या है अभी भी सिटीजन के रूप में नहीं आ रहे, हम लोग क्या है अभी भी देखिएगा रिलीजियंस हो गया, कास्ट हो गया, उसके बाद एरिया यानी क्षेत्र हो गया, रीजन हो गया, उसके बाद क्या आधार पर बटे हुए हैं, कोई पहाड़ के है तो कोई प्लेन के है तो विवाद बहुत ज्यादा है, कोई कुमाऊं के है कोई गढ़वाल के है जिसमें बहुत सारे विवाद है, ठीक है। उसके बाद कोई किस धर्म के है किस जाति के उसमें भी बहुत सारे विवाद है, ठीक है। अब चुनाव में क्या होता है उस क्षेत्र के अगर उस कास्ट के अगर कैंडिडेट नहीं खड़े होंगे तो फिर चुनाव जीत नहीं पाते हैं, तो ये बहुत सारे रीजन है इसके के लिए हम अपने राइट्स को ले नहीं पाते हैं। तो ठीक है क्यों नहीं ले पाते तो उसके बारे में आपको पढ़ना है, ठीक है, क्वेश्चन पूछ जाता है इसमें से। उसके बाद देखिएगा हमारा जो इकोनॉमी है, देखिएगा हमारे इसमें सिलेबस में इकोनॉमिक्स नहीं है, इकोनॉमी है, एक होता है अर्थशास्त्र और एक होता है अर्थव्यवस्था। तो हमें क्या पढ़ना है, अर्थव्यवस्था पढ़ना है, हमें क्या पढ़ना है अर्थव्यवस्था पढ़ना, ना कि अर्थशास्त्र पढ़ना, इकोनॉमी नहीं पढ़ना है, हमें अर्थव्यवस्था पढ़ना है, इकोनॉमी पढ़ना है, ठीक है। और देखिए इकोनॉमी में देखिए क्या होता है, आप लोगों ने सुना होगा कि जो इकोनॉमिक्स होता है उसके टू पार्ट्स होते हैं, एक को कहते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स और एक को होते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो हमें यहाँ पे क्या है माइक्रो नहीं पढ़ना है बल्कि मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ना है, ठीक है, जिसको मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ना है, जिसमें हम पढ़ेंगे जीडीपी क्या होता है, ठीक है, एनएनपी क्या होता है, जीएनपी क्या होता है, पर कैपिटा इनकम क्या होता है, यानी सेक्टर ऑफ इकोनॉमी क्या होता है, टाइप ऑफ इकोनॉमी क्या होता है, ठीक है, उसके बाद बैंकिंग इश्यूज क्या होता है, उसके बाद देखिएगा सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है। देखिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब होता है कि ऐसा डेवलपमेंट होना चाहिए जिसमें देश के सभी नागरिकों का क्या होना चाहिए, डेवलपमेंट होना चाहिए। देखिए दो शब्द है, एक होता है इकोनॉमिक ग्रोथ और एक होता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट। देखिए अगर सस्टेनेबल डेवलपमेंट जहीं पे होगा तो वहां पे क्या होगा, इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा। और इकोनॉमिक ग्रोथ का मतलब होता है कि कुछ ही लोगों के पास क्या होता है संपत्ति का ज्यादा हो जाना, जैसे देखिए मान ले कि हमारे देश में पूंजीपति कुछ लेकर है उनके पास ज्यादा संपत्ति हो गया, तो इसी को क्या कहते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ कहते हैं। अगर इकोनॉमिक के डेवलपमेंट होगा तो क्या होगा, देश के अधिकतर लोगों के पास क्या जीवन निर्वाह करने के लिए अच्छा सुविधा होगा, यानी लाइफ स्पेंड करने के लिए क्या सुविधा होगा। तो क्या होना चाहिए हमारा यहाँ पे इकोनॉमिक क्या होना, डेवलपमेंट होना चाहिए, ठीक है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा तभी क्या होगा देश, क्या होगा देश में ये जितने भी आपको को असमानता दिखा देता है, इनडिसिप्लिन दिखा देता है, यानी जो कमियां दिखाई दे रहे हैं, इसका मेन कारण क्या है, जो हमारा इनकम होता है हमारे देश में जो लोगों का इनकम है या जो गवर्नमेंट का पॉलिसी के अनुसार जो इनकम है, इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है ना, ये डिस्ट्रीब्यूशन ही गलत हो रहा है कि किसी के पास क्या है ज्यादा है। अब अंबानी देखिए पर घंटा 300 से 400 करोड़ रुपए कमा रहा है और एक व्यक्ति 30-40 रुपए भी घंटे में नहीं कमा पा रहे, तो अंतर तो है। इसी को कहते हैं इकोनॉमिक जो डेवलपमेंट भारत में नहीं है, इसलिए क्या है, और देखिए अगर इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं होगा तो भारत में क्राइम भी बढ़ जाएगा, अगर गरीब अमीर ज्यादा होगा तो गरीब लोग क्या होगा खाने के लिए लड़ाई होगा। अभी देखिए कोरोना काल में क्या हुआ, कोरोना काल में 21 करोड़ लोग क्या है गरीबी बीपीएल रेखा से नीचे आ गया, बीपीएल बीपीएल लाइन आप लोग जानते हैं, एक एपीएल होता है और एक बीपीएल होता है, ठीक है, तो ब्लो पॉवर्टी लाइन से नीचे आ गए 21 लाख। क्यों आ गया, क्योंकि इनके रोजगार इनका जो उसको इम्प्लॉयमेंट था वो क्या है खत्म हो गया, जब इम्प्लॉयमेंट खत्म हो गया तो पैसा कहाँ से मिलेगा, ठीक है। इसीलिए क्या है सस्टेनेबल डेवलपमेंट होना चाहिए, ठीक है। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के साथ साथ एक और डेवलपमेंट के बाद बारे में समझिएगा जिसको कहते हैं धारणी विकास कहा जाता है, कि डेवलपमेंट ऐसा होना चाहिए कि हमें जो अर्थ है यानी जो हमारे पृथ्वी है, पृथ्वी में जितना जो रिसोर्स है उस रिसोर्स का क्या हमारे जो अगले जो जनरेशन है उसको भी कुछ मिलना चाहिए, जो अगली पीढ़ी है उसको भी मिलना चाहिए। देखिएगा कोई व्यक्ति है अपने आसपास के जो पेड़ पौधे पूरी तरह से काट दे रहा है, जो ट्रीज है वो क्या है उसको काट दे रहा है, और ट्री से हमें क्या मिलता है, ऑक्सीजन मिलता है। अब बताइए वो व्यक्ति तो अपना जीवन खत्म कर रहा है, लेकिन क्या आने वाले जो दिन है उनके बच्चों को ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगा,
इसलिए देखिए आजकल दिल्ली वगैरह में क्या है, ऑक्सीजन लाइब्रेरी बनाया जा रहा है या बनाया गया है बहुत सारी जगह पे। और जो ऑक्सीजन लाइब्रेरी क्या है कि आप के पास शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो गया तो 2 घंटे जाइए और वहां पे क्या है सिलेंडरों में ऑक्सीजन भरा हुआ है और नाक में लगाइए और उसको पेमेंट करके चले आइए। ठीक है, इसलिए देखिए अभी क्या है दिल्ली सरकार ने पहली बार स्मोक टावर लगाया गया है दिल्ली में, स्मोक टावर कि जो वहां पे धुआं इतना ज्यादा होता है उसको सोखने के लिए क्या है टावर लगाना पड़ता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अभी देखिए उत्तराखंड के पहाड़ी इलाके में तो क्या है एयर पोल्यूशन कम है इसलिए क्या है सही है, लेकिन क्या दिल्ली वगैरह में क्या एयर पोल्यूशन बहुत ज्यादा है। तो डेवलपमेंट कैसे ना सस्टेनेबल होना चाहिए कि आने वाले पीढ़ी के लिए भी क्या है कि कुछ बचा के रखे पूरा हम खाना जाए। ठीक है, तो इसीलिए क्या सस्टेनेबल डेवलप जाए। पॉवर्टी गरीबी, गरीबी क्यों है अभी बताया कि जो हमारे इनकम है उसका डिसबैलेंस या उसका असमान रूप से अगर हम उसका डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे तो क्या होगा गरीबी बढ़ेगा। ये तो एक गरीबी है और गरीबी बढ़ने का और भी बहुत कारण है, एजुकेशन ना होना होना है, रोजगार ना मिलना होना है। ठीक है, उसके बाद क्या है हमारे यहाँ पे देखिएगा हमारी इकोनॉमी में 3 सेक्टर होता है, एक होता है प्राइमरी सेक्टर, एक होता है सेकेंडरी सेक्टर और एक होता है टर्शरी सेक्टर। ठीक है, देखिएगा हमारे अधिकतर जो एम्प्लॉय है या जो इनकम होता है ना वो टर्शरी सेक्टर से होता है, तृतीय क्षेत्र से होता है, जो इसको सर्विस सेक्टर कहा जाता है। क्या कहता है सर्विस सेक्टर। और हमारे यहाँ पे अधिकतर लोग जो वर्किंग है ना वो क्या है प्राइमरी सेक्टर में वर्क, देखिए खेती हो गया उसका एमएसएमई होगा सब कहाँ है इस प्राइमरी सेक्टर में आता है, लेकिन होना चाहिए डेवलपमेंट सेकेंडरी सेक्टर का होना चाहिए। देखिए सेकेंडरी सेक्टर में क्या आता है उद्योग धंधे आता है यानी इंडस्ट्री आता है, जब इंडस्ट्री नहीं लगेगा तो भारत में प्रोडक्शन कहाँ से होगा, प्रोडक्शन नहीं होगा तो हम सामान को बेचेंगे नहीं तो हमारे पास पैसा कहाँ से आएगा। इसलिए देखिए इंडिया में अधिकतर जो गरीबी है बेरोजगार है उसका कारण क्या है ये जो सेकेंडरी सेक्टर है इसका क्या है अनडेवलप होना। ठीक है, चाइना ने क्या देखेगा 1970 में इंडिया और चाइना का इकोनॉमी लगभग बराबर था, लेकिन 1970 के बाद चाइना ने क्या है अपने इकोनॉमी में क्या है इस सेकेंडरी सेक्टर को क्या ज्यादा डेवलप किया, यानी उन्होंने क्या है जो औद्योगिकरण पर ज्यादा बोल दिया यानी इंडस्ट्रियलाइजेशन पर ज्यादा बल दिया, और इंडस्ट्रियलाइजेशन पर ज्यादा बल दिया तो वहां पे उद्योग धंधे लगे और क्या है इंडिया चाइना क्या है पूरे वर्ल्ड का क्या है इंडस्ट्री हब बन गया। अब देखिए उत्तराखंड में जो सिडकुल लगे है ना ये सिडकुल का जो प्रोजेक्ट है ना इस सिडकुल को क्या है सीएज के माध्यम से लगाया गया है, और किसके कार्यकाल में लगाया गया था नरेंद्र तिवारी के कार्यकाल में लगाया गया था। ठीक है, और ये जो सीएज है ना ये भी चाइना का मॉडल है, ध्यान दीजिएगा ये चाइनीज मॉडल है, इसको कहता है स्पेशल इकोनॉमिक जोन कहा जाता है। क्या कहा जाता है स्पेशल इकोनॉमिक जोन। देखिएगा ये सीएज हमारे भारत में 2005 में इसको लाया गया था उत्तराखंड में, देखा 2005 के बाद इंडस्ट्री लगा है। ठीक है, जो शेष के तहत लगा है और इसके मतलब ये भी क्या है चाइनीज मॉडल, इसमें क्या होता है कि एक ही जगह पे बहुत सारे प्रोडक्शन किया जाए। और देखिए इसलिए देखिएगा इस शेष लगने से उत्तराखंड के बहुत सारे लोगों को क्या मिला रोजगार मिला। आप देखिएगा जब यहाँ पे यूपी रहा होगा तो देखिएगा अधिकतर क्या है यहाँ के लोग क्या है बाहर जाते थे यानी जो आउटर सिटी जाते थे क्या है बाहर जाते थे, इसलिए उत्तराखंड के इकोनॉमी को क्या कहा जाता था मनी ऑर्डर इकोनॉमी कहा जाता था। हाँ देखिएगा पहले उत्तराखंड के इकोनॉमी को क्या कहा जाता मनी ऑर्डर इकोनॉमी कहा जाता था, क्यों कहा जाता था क्योंकि अधिकतर लोग बाहर काम करने जाते थे घर में केवल महिला ही रहती थी। ठीक है, इसलिए उत्तराखंड के पहले की इकोनॉमी को मनी ऑर्डर कहते थे, लेकिन अब शेष के माध्यम से जब इंडस्ट्री लगी है तो देखिएगा इसमें क्या 75% जो लोग हैं उनको उत्तराखंड से लेना पड़ेगा, इससे रोजगार भी बढ़ा है तो इससे क्या है उत्तराखंड के लोगों को रोजगार मिला और तो क्या होगा यहाँ का जो आर्थिक विकास भी हुआ। तो ये क्या है बहुत जरूरी है पॉवर्टी लाइन को हटाने के लिए, क्या इंडस्ट्री ने जो हमारा सेकेंडरी सेक्टर है उसको क्या बढ़ाना पड़ेगा, तो इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। उसके बाद क्या है इंक्लूसिव, अभी इंक्लूसिव बताता कि क्या है जिसको धारणी विकास कहते हैं कि डेवलपमेंट ऐसा होना चाहिए जो अगले पीढ़ी के लिए भी कुछ बच के रहे। ठीक है, उसके बाद डेमोग्राफी, डेमोग्राफी मतलब क्या जो हमारा पॉपुलेशन है उसका क्या यूज है। ठीक है, अभी देखा चाइना ने अपने पॉपुलेशन को अच्छी तरह से यूज कर लिया और उससे उनको कमाई कर लिया। अभी देखिए चाइना में अभी 3 बेबी पॉलिसी शुरू हो गया, अभी अभी करेंट का क्वेश्चन है तो ये भी पूछ सकता है कि किस देश में 3 बेबी प्रोग्राम शुरू हुआ है, 3 बेबी प्रोग्राम शुरू हुआ है तो वो कहाँ है, एक करेंट भी आप लोगों को बताऊंगा। तो ये चाइना, देखिए पहले चाइना में क्या 1 बेबी कॉन्सेप्ट था यानी एक वन चाइल्ड कॉन्सेप्ट था, लेकिन अब क्या है वहाँ पे जो जो जनसंख्या कम हो रहा है उसलिए क्या उनको बढ़ाने के लिए हो रहा है। ठीक है, अब देखिएगा ये डेमोग्राफी हम इकोनॉमी में जरूरी क्यों है। देखिए भारत में 15 से लेके
59 साल के जो लोग है ना, इसको वर्किंग पीपुल कहा जाता है या कार्यशील लोग या कहा जाता है, ठीक है, वर्किंग पीपुल कहा जाता है। और क्या होता है, किसी इकोनॉमी में ये जो जनसंख्या होता है ये क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और देखिए इस समय भारत का 60% पॉपुलेशन इस एज ग्रुप में है, ठीक है। अगर इस एज ग्रुप के लोगों को अगर उसके लिए वर्क दिया जाए, रोजगार दिया जाए, यानी इम्प्लॉयमेंट दिया जाए, तो क्या होगा, ये इंडिया के इकोनॉमी को क्या है, ग्रोथ कर सकता है, यानी डेवलप कर सकता है। लेकिन इंडिया में क्या हो रहा है कि बोला कि जो हमारे यहाँ की जो सेकेंडरी सेक्टर है वो डाउन है, इसलिए रोजगार नहीं मिल पा रहा है। बहुत से लोग काम करना चाहते हैं लेकिन उसी हिसाब से उसको रोजगार नहीं मिलता है, ठीक है। इसके बारे में आपको बताएंगे कि डेमोग्राफी क्या है। और देखिएगा, आप भारत में एक शब्द और सुने होंगे, जनसंख्या लाभांश, ठीक है, कि जनसंख्या लाभांश का मतलब होता है कि हमारे यहाँ पे क्या होता है कि जनसंख्या बहुत ज्यादा है, यानी वर्किंग पीपल बहुत ज्यादा है, तो वर्किंग पीपल से काम लेंगे तो इकोनॉमी बढ़ेगा। लेकिन क्या है, अभी बता कि जो सेकेंडरी यानी द्वितीय क्षेत्र सेक्टर है ये कमजोर है, इसलिए क्या है, हमारे यहाँ पे सभी को रोजगार नहीं मिल पा रहा है। तीसरी है सोशल सेक्टर इनिशिएटिव। हमारे यहाँ पे जो इकोनॉमी में जो सोशल सेक्टर है, चाहे वो महिला हो, चाहे बच्चे हो, चाहे वो पुरुष हो, उनका डेवलपमेंट कैसे, उनको रोजगार कैसे सकते, जैसे मनरेगा हो गया, मनरेगा में क्या है, सोशल सेक्टर में विकास हो रहा है। मनरेगा क्या है, दुनिया का सबसे बड़ा क्या है, सोशल या सोशल क्या है, प्रोग्राम है, जिसको सामाजिक प्रोग्राम कहता है। अब देखिए लॉकडाउन में क्या है, मनरेगा का इंपॉर्टेंस और ज्यादा बढ़ गया, क्योंकि लॉकडाउन में जब सारे काम बंद हो गया तो अधिकतर लोग क्या है, इसी में अपना काम करना शुरू कर दिया, ठीक है। तो ये देखिएगा सोशल वर्क में हो गया। उसके बाद बहुत सारे जो इंश्योरेंस वगैरह है, इसी में आपको पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद बहुत सारे गवर्नमेंट के पॉलिसीज है, उसको आपको सोशल सेक्टर के अंतर्गत पढ़ना पड़ेगा, चाहे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ इफेक्ट हो गया। उसके बाद अभी देखिए आयुष्मान भारत हो गया, ठीक है, तो उसमें ये सारे चीज आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद देखिएगा आपका जो अगला जो आता है उसमें आता है जनरल इश्यूज ऑफ एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी। देखिए इन्वायरमेंट क्या होता है कि हमारे जो हम जो जहाँ पे रहते हैं उसके जो सराउंडिंग होता है या उसके आवरण होता है, उस आवरण को ही इकोलॉजी या इन्वायरमेंट कहा जाता है, ठीक है, पर्यावरण कहा जाता है। यानी हमारे चारों ओर के आवरण को या को क्या कहते हैं, या जो सरफेस है उसको क्या कहते हैं, पर्यावरण कहते हैं। और इसके बारे में देखिएगा जो इन्वायरमेंट होता है इसके टू पार्ट होते हैं, एक होता है बायोटिक और एक होता है अबायोटिक, ठीक है। एक क्या होता है, बायोटिक होता है, ठीक है, जिसको सजीव कहते हैं, और एक अबायोटिक होता है जिसको निर्जीव कहते हैं, ठीक है। बायोटिक में क्या क्या हो जाएगा, आपका प्लांट हो जाएगा यानी पौधा हो जाएगा, और आपका एनिमल्स हो जाएगा, ठीक है। और जो एबायोटिक होता है जिसको निर्जीव कहते हैं, इसमें आपको क्या हो जाएगा, जल हो जाएगा यानी वाटर हो जाएगा, वायु हो जाएगा यानी विंड हो जाएगा। उसके बाद जो सन रेज होता है, सूर्य से आने वाले किरण होता है, तो सूर्य किरण हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद भूमि हो जाएगा यानी लैंड हो जाएगा। तो ये सब को क्या पढ़ना है, आपको एबायोटिक में पढ़ना पड़ेगा। और बायोटिक में क्या हो जाएगा, आपका एनिमल्स वगैरह, एनिमल्स और प्लांट आएगा, ठीक है, तो इनको पढ़ना है। और दूसरा इकोलॉजी, देखिए इकोलॉजी का मतलब होता है परितंत्र कहते हैं इसको, ठीक है, या पारितंत्र कहते हैं। क्या होता है, देखिए इकोलॉजी का मेन इफेक्ट होता है जलवायु पर इफेक्ट होता है, ठीक है। क्या होता है कि जहां पे जैसे जलवायु होता है वहां का एनिमल यानी जानवर और जो प्लांट होता है उनका क्या होता है, पूरी तरह से हैबिटेट अलग अलग होता है, हैबिटेट मतलब उसका रहन सहन अलग बदल जाता है। जैसे पहाड़ होगा, हिल एरिया होगा, हिल एरिया में क्या होता है, ठंडा ज्यादा होता है यानी क्या, कोल्ड ज्यादा होता है, तो यहाँ के जो एनिमल्स और जो प्लांट होंगे वो अलग होंगे। देखिए यहाँ पे जो एनिमल्स होते हैं उनके जो बॉडी होता है उसमें क्या हेयर बहुत ज्यादा होता है, जो गर्मी पैदा करने के लिए होता है, ठीक है। उसके बाद जो एनिमल्स होते हैं उनको क्या है, ऊपर होगा तो उसके आरबीसी बढ़ जाता है, तो क्या होता है, पूरी तरह से जो इकोलॉजी होता है ये क्या होता है, पारितंत्र होता है, वो पूरी तरह से क्या होता है, आपके जलवायु या क्लाइमेट पर निर्भर करता है। जैसे क्लाइमेट होगा वहाँ का इकोलॉजी अलग होगा। जैसे अगर डेजर्ट का क्लाइमेट है तो डेजर्ट में देखिएगा ऊंट ही क्या होता है, कैमल ही वहाँ पे सर्वाइव कर सकता है, ठीक है। तो इसी प्रकार से और वहाँ का जो प्लांट होंगे उनके प्लांट के जो रूट होते हैं वो क्या होता है, ज्यादा गहराई तक जाते हैं, वहाँ पे पत्तियां नहीं पाया जाता है प्लांट में, क्योंकि पत्तियां होगा तो वेपोराइजेशन ज्यादा होगा, तो वेपोराइजेशन ज्यादा होगा तब वाटर का बहुत ज्यादा लॉस होगा। उसके बाद अधिकतर जो एनिमल्स होता है वो रात को शिकार करने के लिए निकलते हैं, दिन में शिकार करेंगे तो
तो पानी का क्या लॉस हो जाएगा, ठीक है, तो बहुत सारी चीज होगा। उसके बाद कैमल का सुने होंगे कि बहुत दिनों बाद पानी पीते हैं, ठीक है, तो ये भी एक मैटर है। इसलिए उसको क्या है, रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है, ठीक है, तो ये बहुत सारे चीज इसमें आता है, ठीक है। उसके बाद आपका दूसरा जो टॉपिक है उसको कहते हैं बायोडाइवर्सिटी। देखिए बायोडाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है, पहले ये बात समझ लिया। बायोडाइवर्सिटी का मतलब होता है कि हमारे यहाँ के जो लोग हैं या हम लोग जहाँ पे रहते हैं वहां पे क्या है, स्पीसीज या प्रजाति का अधिक होना, अधिक प्रजाति होना। जैसे मान लेते हैं कि एक एक एरिया है ये, और इसी में केवल दो ही प्रजाति के लोग रहते हैं, प्रजाति मतलब स्पीसीज होता है, ठीक है, तो वहां पे बायोडाइवर्सिटी क्या होगा, कम होगा, ठीक है, टू मतलब रहते हैं तो बायोडाइवर्सिटी कम होगा। और यही पे क्या होगा, यहाँ पे 10 तरह के प्रजाति के लोग रहते हैं, तो यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी क्या होगा, ज्यादा होगा। देखिए जहां पे बायोडाइवर्सिटी ज्यादा होगा वहां पे क्या होगा, हमारा जो इकोलॉजी होगा वो ज्यादा स्थायी होगा। वो तो कि ऐसे कैसे हो जाएगा, ज्यादा एनिमल्स प्लांट होंगे तो हमें क्या होगा, जंगल जैसे हो जाएंगे, और वहां पर ज्यादा एनिमल होंगे तो वो क्या आपस में लड़ाई झगड़ा करने लगेंगे। देखिए क्या होता है कि हमारे इस अर्थ में एक होता है फूड चेन होता है, और एक होता है फूड बीप, यानी एक खाद्य श्रृंखला होता है और एक खाद्य जाल होता है। तो क्या होता है कि अगर फूड चेन बढ़िया से नहीं हो पाएगा या फूड जाल नहीं से होगा तो क्या होगा, फिर एनिमल्स वहां पे रह नहीं पाएंगे, वो इकोलॉजी या वो इकोसिस्टम क्या कॉलेप्स हो जाता है, और उससे क्या है इन्वायरमेंट में बहुत ज्यादा इफेक्ट होता है। देखिएगा अभी 2013 में उत्तराखंड में क्या आया था, बहुत बड़ा त्रासदी आया था केदारनाथ में, ठीक है, इसका एक रीजन यही भी माना जाता है। क्यों माना जाता है, देखिएगा माना जाता है कि जो उत्तराखंड में जो टाइगर है उसको बहुत ज्यादा क्या शिकार कर लिया गया है। अब टाइगर कम हो गया है, तो टाइगर जब कम हो गया होगा यानी बाघ जब कम हो गया तो क्या, देखिए टाइगर क्या है, मांसाहारी होते हैं, वो हिरन वगैरह को खाते हैं। अब टाइगर कम हो गया तो क्या है, जो शाकाहारी एनिमल्स है उनकी नंबर बढ़ गया होगा। अब जो शाकाहारी नंबर से बढ़ गया होगा तो शाकाहारी के क्या होता है, ये पेड़ पौधों को खाते हैं, और पेड़ पौधे के साथ साथ क्या होता है, ये क्या होता है, जहां पे चलते तो उसके जो खुर होता है पैर के नीचे वाला भाग क्या होता है, खुर कहते हैं, जो खुर होते हैं तो वो उससे क्या होता है, मिट्टी को क्या होता है, मुलायम कर देता है। अब जब बारिश आता है तो मिट्टी क्या बह जाता है, और दूसरी बात है जब पेड़ पौधे को जब ऐसे शाकाहारी जंतु खा जाएंगे तो पेड़ पौधे भी कम होते हैं, और उससे भी क्या होता है, इन क्षेत्र में क्या होता है, पेड़ पौधे कम होगा, पेड़ पौधे क्या होता है, जो उसके रूट्स होते हैं जो ट्री होते हैं वो क्या होता है, मिट्टी को पकड़ के रखता है। अब जब पेड़ पौधे ही नहीं होगा तो पकड़ के कहाँ से रख पाएगा, और इसलिए क्या लैंडस्लाइड बहुत ज्यादा होता है, भूस्खलन जो बहुत ज्यादा होता है। आजकल देखिए उत्तराखंड में इस बार कितने ज्यादा भूस्खलन हुआ, उसके बाद हिमाचल प्रदेश में देखिएगा, ठीक है। और उत्तराखंड में अगर आपसे पूछा जाए कि जो उत्तराखंड में जो आपदा होती है, जो डिजास्टर होता है, क्लाइमेटिक होता है, वो सबसे ज्यादा कौन सा होता है, तो वो है भूस्खलन होता है, यानी लैंडस्लाइड होता है, ठीक है। वो देखिए बहुत सारे गाड़ियां क्या है दब गया होगा, तो ये इसको कहते हैं बायोडाइवर्सिटी। और भारत में सबसे ज्यादा जो बायोडाइवर्सिटी पाया जाता है वो है साइलेंट वैली में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, शांत घाटी में पाया जाता है, साइलेंट वैली या शांत घाटी। और ये कहाँ पे है, केरल में है, कहाँ पे है, केरल में, ठीक है, जहाँ पे बोलते हैं बायोडाइवर्सिटी ज्यादा होगा वहां पे क्या होगा, हैबिटेट या जो इकोसिस्टम होगा वो ज्यादा क्या परमानेंट होगा, और जहाँ पे कम होगा वहां पे परमानेंट नहीं होगा। तो हमारे देश में सबसे ज्यादा जो बायोडाइवर्सिटी पाया जाता है वो क्या है, शांत घाटी में पाया जाता है या साइलेंट वैली में पाया जाता है, ये केरल में है। और वर्ल्ड का सबसे अगर देखा जाए तो अमेजन फॉरेस्ट में पाया जाता है, कहाँ पाया जाता है, अमेजन फॉरेस्ट में पाया जाता है। इसलिए क्लाइमेट चेंज, देखिए क्लाइमेट चेंज की वजह, देखिए क्लाइमेट चेंज के लिए जो CO2 हो गया, CS4 हो गया, ठीक है, और जो ओजोन हो गया, ये क्या है, क्लाइमेट चेंज के लिए जिम्मेदार गैसेस है, ठीक है। इससे क्या होता है कि हमारे जो अर्थ है, अर्थ का टेम्परेचर क्या होता है, बढ़ जाती है, और अर्थ का टेम्परेचर जब बढ़ेगा तो जो ग्लेशियर होता है वो ग्लेशियर क्या होगा, मेल्ट होगा, और ग्लेशियर जब मेल्ट होगा तो क्या होगा, सी लेवल बढ़ेगा, ठीक है, सी लेवल क्या होगा, बढ़ेगा, और सी लेवल जब बढ़ेगा तो कोस्टल एरिया में जो लोग रहते हैं, कोस्टल एरिया में, ठीक है, कोस्टल एरिया में जो लोग रहते हैं वो लोग क्या होगा, उनका दिक्कत हो जाएगा। दूसरी बात है अगर ग्लेशियर पिघलेगा तो रिवर में क्या होगा, फ्लॉट आएगा, नहीं बाढ़ आने की संभावना बढ़ जाएगी,
और लेकिन एक समय जब सारे ग्लेशियर पिघल जाएगा तो क्या होगा, नदियों में वाटर की दिक्कत हो जाएगा, पानी नहीं रहेगा नदियों में। जब नदियों में पानी नहीं होगा तो एग्रीकल्चर कैसे होगा, तो बहुत बड़ा क्राइसिस होगा एग्रीकल्चर का, ठीक है। अब एग्रीकल्चर नहीं होगा तो क्या लोग खाएगा, क्या पत्थर सोना चांदी, पैसा तो खा नहीं सकता, खाना तो आना पड़ेगा, चाहे अमीर बन जाओ चाहे गरीब बनो, तो सबको क्या करना पड़ेगा, खाना खाना पड़ेगा। और खाना खाने के लिए क्या है, एग्रीकल्चर चाहिए। और एग्रीकल्चर अगर क्लाइमेट चेंज हो जाएगा तो एग्रीकल्चर क्या डिक्लाइन हो जाएगा। तो इसलिए क्या है, हमें क्लाइमेट चेंज को रोकना है। इसलिए क्या है कि ज्यादा ज्यादा क्या है, एसी वगैरह कम चलाया जाए, ठीक है। उसके बाद पेड़ पौधे को कम काटा जाए, ठीक है। उसके बाद जितने भी इस तरह का जो एक्टिविटीज होता है जिससे क्या होता है, जो कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ता है और जो मैथेन बढ़ता है, इसको रोकना होगा, ठीक है। जैसे गाड़ी, खराब गाड़ी नहीं चलाना चाहिए। उसके बाद जो फ्यूल होता है, फ्यूल की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। इसलिए देखिएगा, भारत सरकार ने अभी 2020 में BS6 वाला गाड़ी को क्या है, लॉन्च किया है। आप बोले कि BS6 क्या होता है, इसको भारत स्टैंडर्ड कहते हैं। इससे क्या होता है, जो हमारे गाड़ियां होती है उस गाड़ी का जो ईंधन होता है वो क्या होता है, अच्छी क्वालिटी की होती है, ठीक है। तो ये सारी चीज क्या है, इसको लाया गया है, जिससे क्या होगा कि हमारा जो इकोसिस्टम है वो क्या है, सही से वर्क कर पाए, ठीक है। अगर सही से वर्क नहीं करेगा तो क्या हो जाएगा, हमारा जो पूरा सिस्टम है वो कॉलेप्स हो जाएगा, ठीक है। तो कॉलेप्स हो जाएगा तो उसका क्या है, बहुत ही बेनिफिट नहीं मिल पाएगा और उससे लोगों का क्या होगा, दिक्कत पैदा होगा। अभी देखिएगा, एक संस्थान है IPPC, और एक संस्था का नाम सुने होगा नासा, ठीक है। इन दोनों ने एक रिसर्च किया और उसमें बताया है कि 2021 तक हमारे पृथ्वी का टेम्परेचर लगभग 3 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाएगा, यानी कहां से जब औद्योगिक क्रांति हुआ।